हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं विच के सुपर वर्जन को, यानी सुपर विच को, और साथ में सुपर विच के बिग स्केल्टन को, जिसका नाम है बिग बॉय। तो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और हमारा क्लैन वार लीग भी शुरू होने वाला है। थोड़ा ही टाइम रह गया, तो हम क्लैन वार लीग को भी कवर करेंगे और साथ में बढ़िया अटैक्स दिखाएंगे इस क्लैन वार के टाइम। तो लेकिन आज हम देखेंगे 3-स्टार अटैक्स दिखाएंगे आपको सुपर विच के साथ टोनल 12 और 13 पे। तो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर हम देखें सुपर विच को, तो सुपर विच का जो फेवरेट टारगेट कोई भी है, टारगेट ग्राउंड एंड एयर होस्टिंग स्पेस गाइस 40 कुछ ज्यादा ही है, तो मोमेंट स्पीड भी बहुत कम है गाइस 12 की। और गाइस, अगर हम देखें बिग बॉय को, तो बिग बॉय डैमेज पर सेकंड 350 और हिट पॉइंट काफी बढ़िया है 4100। और अगर देखें गाइस, डैमेज सिंगल टारगेट है और स्पीड जो है मोमेंट स्पीड वो सुपर विच की तरह है 12 की। चलो गाइस, पहले हम एक अटैक करते हैं, उसके बाद हम 3-स्टार अटैक्स भी देखते हैं। हमें थोड़ा गोल्ड चाहिए, एक अटैक देखते हैं सुपर विच यूज करके, और देखते हैं कि कैसा अटैक जाएगा और क्या गेम प्ले रहेगा सुपर विच का और बिग बॉय का। और गाइस, जो हमने आर्मी ट्रेन की है, 4 सुपर विचेस, 12 बॉलर्स, 3 आइस गोलम और सीसी में वॉल रैकर, रेज और बॉलर्स। और गाइस, स्पेल है, एक जंप है और 2 रेज, 2 फ्रीज, 1 हील, 1 पॉइजन। और गाइस, हमारे पास जो हीरोज हैं काफी लो लेवल के हैं, 24 लेवल किंग है, 36 लेवल क्वीन, ग्रैंड वार्डर 16 और रॉयल चैंपियन सिर्फ 5। तो गाइस, हमने बॉलर्स लिए हैं साथ में, क्योंकि जो हम 7 विचेस भी ले सकते थे, लेकिन गाइस इसमें जो सुमन यूनिट्स हैं सिर्फ एक ही बिग बॉय सुमन करती है सुपर विच, तो इसलिए हमने थोड़ा आइस गोलम लिए और बॉलर्स लिए साथ में, और सीसी में भी बॉलर्स। तो देखते हैं गाइस कैसा अटैक जाता है, फिर हम देखते हैं टोन हॉल 12 और 13 पे 3-स्टार अटैक करके। चलो गाइस, अब हम अटैक देखते हैं कि लूट मिलेगी हमें अच्छी कि नहीं। और गाइस, जो ही हमें लूट मिलेगी हम अटैक कर देंगे और देखेंगे कैसा अटैक रहेगा सुपर विच का। गाइस, स्पेस मिल गया हमें, 10 लाख के करीब गोल्ड है और एलेक्सर भी उतना ही है, और 5500 के करीब डार्क भी है, तो बेस भी उतना मैक्स नहीं है गाइस, और लेकिन हमारे हीरोज भी उतने मैक्स नहीं हैं, तकरीबन काफ़ी लो लेवल के हीरोज हैं हमारे। तो देखते हैं कैसा अटैक जाएगा, और हम अटैक करेंगे गाइस 3 o'clock से साइड से, एक एक सुपर विच डिप्लॉय करके और साथ में आइस गोलम भी, और सेंटर में वॉल रैकर डिप्लॉय करेंगे। और गाइस, एक विच ड्रॉप कर दी हमने, और दूसरे कॉर्नर से भी एक विच, और साथ में एक एक आइस गोलम। तो सेंटर में एक आइस गोलम और वॉल रैकर डिप्लॉय करेंगे, साथ में 2 सुपर विचेस और पीछे हम बॉलर्स थोड़ा स्पैम करेंगे, और पीछे हीरोज किंग क्वीन ग्रैंड वार्डन और एक साइड से रॉयल चैंपियन। और यहाँ पे गाइस रेज देते हैं, रेज दे दिया, साथ में ईगल को फ्रीज कर दिया और हील एक दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्फर्नोज है, एक मल्टीपल है, एक सिंगल है, साथ में स्कैटर शॉट, यहाँ पे एक और रेज देना पड़ेगा। गाइस, रेज दे दिया, ग्रैंड वार्डन एबिलिटी, और बिग बॉयज लग रहा है कि को अभी टोनाल के पास ही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, स्पीड इनकी बहुत कम है, लेकिन गाइस हिट पॉइंट और डैमेज उतना ही देते हैं। और यहाँ पे गाइस लग रहा है कि 3-स्टार हो जाएगा, अभी जो है साइड से एक बिग बॉय है जो 12 o'clock से अभी घूम रहा है, और दूसरी साइड से भी एक बिग बॉय और सुपर विच है, अपोनेंट क्वीन को पॉइजन करना पड़ेगा, और ये बिग बॉय तो गया। लेकिन गाइस, जो हमारे सेंटर के सुपर विचेस थे और बिग बॉय था, अभी तक गाइस इनकी हेल्थ है और काफ़ी है, और काफ़ी पावरफुल हैं गाइस ये बिग बॉयज और साथ में सुपर विच। तो गाइस, ये 3-स्टार अटैक हो गया। अब हम देखेंगे गाइस टोन हॉल 13, जो मैक्स टोन हॉल 13 और 12 पे देखेंगे सुपर विच के अटैक्स, और ये 3-स्टार हो गया गाइस। और गाइस, अब हम देखेंगे मैक्स टोनल 13 और 12 पे सुपर विच के अटैक्स, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दें गाइस, हमें जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर चाहिए। अब हम देखेंगे गाइस टोनल 13 पे
और गाइस जो हमारे पास ट्रूप्स हैं वो हैं 4 सुपर विजेस और एक बेबी ड्रैग है, 5 हीलर्स और 2-3 लून्स विजार्ड और एक हेड हंटर है। और गाइस हीरोज जो हैं मैक्स हैं और साथ में 5 लाइट है, यानी कि जैप करना पड़ेगा यहाँ पे, और 2 रेज, 1 अर्थक्वेक, 1 जंप, 1 पॉइजन। देखते हैं गाइस जो जैप होगा वो कहाँ पे होगा। मुझे लग रहा है गाइस यहाँ पे इन्फर्नो और स्कैटर शॉट को मैं भी, हाँ गाइस इन्फर्नो और स्कैटर शॉट और साथ में विजार्ड टावर तीनों को जैप किया गया और तीनों डाउन। और यहाँ से क्वीन चार्ज हुआ गाइस, 7 o'clock से क्वीन चार्ज और एक बेबी ड्रैग और दूसरी साइड से किंग और सीज ब्रैक। यहाँ पे टेस्ला फॉर्म भी है, 1-2 टेस्ला हैं। तो गाइस यहाँ से अगर फनल बन जाए तो जो बिग बॉय और सुपर विजेस हैं वो सीधा कोर में जाएंगे। यहाँ पे हैवी डैमेज भी है गाइस और 3-4 जो एक्सबोज हैं वो टोन हाल के साथ में हैं। और गाइस यहाँ पे रेज दिया जाएगा और सीसी में मैक्स हॉग राइडर्स निकले हैं। यहाँ पे रेज और जो इन्फर्नो है सिंगल है और टोन हॉल डाउन हो गया गाइस। बिग बॉय देखते हैं काफ़ी बढ़िया काम करेगा गाइस, क्योंकि हमने पहले भी देखा हिट पॉइंट काफ़ी अच्छा है इसका और डैमेज भी काफ़ी देते हैं सिर्फ जो स्पीड है। और यहाँ पे दूसरा रेज स्पीड काफ़ी कम है, यहाँ पे रेज में तो जल्दी भागते हैं लेकिन। और यहाँ पे अपोनेंट का सीसी भी लोअर हो गया गाइस, इसमें तो बारबेरियन अर्चर क्या क्या है गाइस इसके सीसी में। और ये बिग बॉय गाइस कितना स्लो चलते हैं, ये मोमेंट स्पीड काफ़ी 12 की मोमेंट स्पीड है। तो यहाँ पे जो रॉयल चैम्पियन है वो भी बढ़िया काम कर रही है एक साइड से। और जो रॉयल चैम्पियन का हमने एक चीज़ देखी कि हिट पॉइंट जो है रॉयल चैम्पियन का और डैमेज वो काफ़ी बढ़िया है गाइस बाकी हीरोज़ के मुकाबले में। और जो हीलर्स हैं लॉक हो गई हैं विच के ऊपर, यानी सुपर विच के ऊपर लॉक हो गई हैं, तो ये तो बढ़िया हो गया गाइस। और यहाँ पे वाल फोड़ने में लगे हुए हैं बिग बॉयज और रॉयल चैंपियन डाउन। और बिग बॉयज अभी भी यहाँ पे फंस गए हुए हैं वाल्स के बीच में, लेकिन अब उन्होंने वाल फोड़ दिए और सिंगल इन्फर्नो, एक बिग बॉय तो बिग बॉय को ले लिया सिंगल इन्फर्नो ने, लेकिन 2 तमाचू में सिंगल इन्फर्नो भी डाउन। और ये बेस गाइस 3-star हो ही जाएगा, अभी भी जो है सुपर विच है और साथ में 2 बिग बॉयज, काफ़ी पावरफुल हैं गाइस ये बिग बॉयज। अभी भी 3-4 और एक सुपर विच भी है, यानी काफ़ी पावरफुल हैं। अगर इनको यूज़ किया जाए अटैक में वार में तो अब हम टोन आर 12 पे देखेंगे कैसे मैक्स टोन आर 12 पे 3-star होता है। और गाइस अब हम देखेंगे TH12 पे, मैक्स TH12 पे 3-star अटैक और वो भी सुपर विच का। और यहाँ पे ट्रूप जो है 5 सुपर विच, 4 हीलर्स, 3 विजार्ड, 1 जाइंट और सीज ब्रेक है। और जो स्पेल्स हैं 4 अर्थक्वेक, 1 हील, 1 जंप, 2 रेज। तो हीरोज को मैक्स ही है गाइस, देखते हैं कहां से अटैक शुरू होता है। तो जो बेस है गाइस मैक्स टोट है और यहां पे ग्रैंड वार्डन से फनल बनाने की कोशिश है गाइस यहां पे 9 o'clock से, ताकि जो फनल बने। यहां पे क्या होता है गाइस, अगर फनल ना बने जो बिग बॉयज हैं सुपर विच के वो भटक जाते हैं, तो आपको प्रॉपर फनल बनाना है, आपने विजार्ड्स लेनी है और ये चाहे बेबी ड्रैग से आप फनल बनाएं, लेकिन फनल बन के जब ये कोर में जाएंगे तब तबाही मचाएंगे ये बिग बॉयज। और रेज के अंदर तो फिर खैर ही है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर से सीज ब्रैक डिप्लॉय की गई है 7 o'clock से और फनल अच्छा बन गया गाइज, एक साइड से वार्डन ने बनाया और दूसरी साइड से यहाँ पे सीज ब्रैक के जो पक्का था और विजार्ड्स और जो कोर था उसको अर्थक्वेक से तोड़ा गया गाइस, वॉल्स फोड़ दी गई हैं। और जो अपोनेंट के सीसी में लग रहा है हेड हंटर है और अब कोर में गाइस जा रहे हैं बिग बॉयज विद अंडर लॉक्ड हीलर्स और ग्रैंड वार्डन एबिलिटी। अब रेज एक दिया गया, अब तो टोन आल गया और
अभी भी एक रेज है, एक हील है और एक जंप है। काफ़ी पावरफुल हैं गाइज ये जो बिग बॉयज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इनका ये है कि अगर आप एक बार इनको अनलॉक करते हैं तो 7 days के लिए होते हैं ये। यहाँ पे जंप, रेज, एक हील है, देखते हैं हील कहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे हील दिया गया, ओवर पावर्ड हैं गाइज ये बिग बॉय, चाहे स्पीड कम हो लेकिन इनकी जो इनका जो हिट पॉइंट है और साथ में डैमेज है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी देख सकते हैं आप काफ़ी सारे जो विचेज हैं और बिग बॉयज हैं, तो काफ़ी पसंद आ गया गाइज मुझे जो सुपर विच का अटैक है टोना 12 और 13 पे, ओवर पावर्ड स्ट्रेटजी है गाइज ये। और आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास हमेशा पहले पहुंचे। और अब हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो भी स्ट्रेटजी हम लाएंगे गाइज वो बढ़िया होगी। और डू सब्सक्राइब अवर चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।